हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये पर्यावरण अध्ययन से है। इसमें आपको जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम प्रैक्टिस सेट आजकल यूटेट और सीटेट के लिए करवा रहे हैं, जिसमें हम सीडीपी भी हमने यहाँ पर किया था, पेडागोजी। तो पेडागोजी में आपको 30 क्वेश्चन के दो दो सेट मिल गए हैं देखने को, और वहाँ पर को हमने जो है पर डे दो पार्ट हमने उसके अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पर आज हम फर्स्ट बार लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का। तो वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आज इसका पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं 30 क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से हो पाए। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने सीडीपी किया था, उसमें आपको आने वाली लेक्चर के एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीटेट और यूटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी एलटी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 30 नंबर की पेडागोजी आती है, तो उसके लिए भी आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन जो है किस तरीके के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो नगरीकरण है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहाड़ों को जंगलों को काटकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उससे नगरीकरण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी के स्रोत खत्म हो रहे हैं, और नगरीकरण से पोल्यूशन बढ़ता है, और जमीन और पेड़ वन ये कमी कम होते हैं, तो इससे पानी का भी पानी की कमी भी होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, नगरीकरण है। ठीक है, चलिए बाकी भी है, विश्व में तापमान की वृद्धि है या औद्योगिकरण है, ये भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रमुख कारण की बात करते हैं, तो प्रमुख कारण में नगरीकरण यहाँ पर जो है राइट आंसर बनेगा। अगला, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। दोस्तों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र हुआ था पिलानी में। ठीक है, पिलानी में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सदाबहार पेड़ अगर नहीं है तो वो इमली, नीम, बबूल और सहतूत में से जो है सदाबहार पेड़ इमली नहीं है। ठीक है ना, बाकी नीम, बबूल और सहतूत सदाबहार पेड़ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है। दोस्तों, डेसिबल जो है ध्वनि को मापने की इकाई है, डेसिबल। ठीक है, अगर गहराई को नापने की बात करेंगे तो गहराई मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीटर का प्रयोग, और तापमान के लिए डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या फॉरेनहाइट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है वायुदाब को मापने के लिए, प्रेशर को अगर हम मापते हैं तो वायुदाब को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तब भी आप कमेंट करें, उसका आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, राष्ट्रीय गीत है कौन सा। ठीक है, कई लोगों को ये नहीं पता होगा राष्ट्रीय गीत है कौन सा, तो वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने के द्वारा रचित किया गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी हमारे, ये तो राष्ट्रीय गीत था। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रगान हमारा, राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जन गण मन है। और मोहम्मद इकबाल यहाँ पर ऑप्शन सी में है, मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी के एक कवि हैं, तो यहाँ पर चारों चार ऑप्शन हो गए। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किया गया था 1973 में, शुरू किया गया था 1973 में। अगर आपसे इसकी डेट पूछी जाती है तो ये 7 अप्रैल को शुरू किया गया था, 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में इसमें जो है एक बाघ अभयारण्य बनाया गया था, लेकिन अब जो है इसमें हम वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है 50 बाघ अभयारण्य इस समय वर्तमान में स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। दोस्तों, नक्षत्र का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, वो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगला है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सागरी खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन। ठीक है ना, सागर समुद्र से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर आयोडीन है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन आपको किस वर्ग में, यहाँ पर तीन चार नाम दिए गए हैं उसमें से आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। वैसे तो मछली में भी है, अंडे में है, मटर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स है वो है सोयाबीन, चना और मक्के में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर मोर देखा, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, आपको पता ही है। चलिए अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो वन महोत्सव दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? दोस्तों वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर 2 अक्टूबर दिया गया है, तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गांधी जयंती को हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं 2 अक्टूबर। 10 अगस्त को हम जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस, ठीक है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर। तो 4 की 4 डेट हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। उसके बाद जल जनित रोग, यानी कि जल से होने वाले रोग के बारे में यहाँ पर बताना है। तो जल से होने वाले रोग अगर होता है तो वो अतिसार होता है दोस्तों, ठीक है ना, दस्त भी कह सकते हो, पेजिस कह सकते हो, ये जल से होने वाले रोग हैं, ठीक है, दूषित जल से। अगला, निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना की छाल से जो है कुनेन प्राप्त की जाती है, सिनकोना के प्लांट से। अगला है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो आपको पता ही है दोस्तों ये जल से ढका हुआ है 71%, ठीक है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है पर्यावरण के, इसमें जो यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट में आपसे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो प्रत्येक दिन हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम होने तक, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, लाइक नहीं करते आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है? दोस्तों वायु प्रदूषण जो है धुएं से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। कीटनाशक जो है मृदा प्रदूषण कीटनाशकों से होता है, और सीवेज से जल प्रदूषण होता है, और ध्वनि विस्तारक जो होते हैं ध्वनि को बढ़ाने, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह हैं या अन्य चीज़ें, ये ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर वायु प्रदूषण पूछा गया, तो ये धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारण है। अगला है, कथक जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों देखिए कथक एक नृत्य है, तो ये कथक जो है कहाँ का है? उत्तर भारत, यानी कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है, यूपी का। तो दोस्तों इसमें आगे केरल दिया है, तो केरल में कथकली जैसे कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का हो गया, और केरल का क्या है? कथकली, ठीक है, कथकली है जो है कहाँ का है? केरल का। उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक नृत्य की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें थोड़ा, तो जैसे कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु में मोहनी अट्टम, कुछ ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोहनी अट्टम तमिलनाडु हो गया। अगला, पोलियो का कारण है? दोस्तों पोलियो विषाणु की वजह से होता है, पोलियो का वायरस होता है, तो इसकी वजह से पोलियो होता है, ठीक है। अब पोलियो के वायरस का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको नहीं पता है वो भी आप बताएं कि हमें नहीं पता पोलियो के वायरस का क्या नाम है, वहां पर डिस्कशन इस पर जरूर होगा। अगला, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? दोस्तों देखिए गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सारी होती है रबी की फसल, ठीक है, गेहूं के साथ जितनी फसल बोई जाती है। अब गेहूं के साथ यहाँ पर चना बोया जाता है, ठीक है। अब चावल, यानी कि चावल धान, ठीक है, अब धान के साथ जितनी फसलें बोई जाती है वो होती है सारी खरीफ की फसलें, ठीक है। तो चना हमसे पूछा यहाँ पर रबी की फसल, तो हमारा आंसर होने वाला है चना, ठीक है, ये रबी की फसल होगी। बाकी चावल देखेंगे हम, यानी कि धान, तो धान क्या है? खरीफ की फसल है, और मूंगफली भी खरीफ की फसल है, और कपास भी खरीफ की फसल है, तो बाकी ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसल यहाँ पर चना है केवल। अगला, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ठीक है, अपमार्जक डिकम्पोजर, तो ये कौन होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, अपमार्जक यानी कि जीवाणु कवक वगैरह, ये क्या है? अपमार्जक है। अगला है, वनों के महत्व के कारण हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर जो है
अजीब सा लग रहा है दोस्तों। वनों का महत्व जो है किस कारण है, यानी कि किस लिए वनों का महत्व किस चीज के लिए है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए वनों का महत्व है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें गलती हुई है, कोई बात नहीं। चलिए अगला है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो आम का जो है सर्वाधिक क्षेत्र है फलों के अंतर्गत, ठीक है, भारत में। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों चिपको आंदोलन आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, आप अगर उत्तराखंड का यूटेट का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है सीटेट में भी पर्यावरण से संबंधित आ जाए, क्योंकि काफ़ी फेमस ये आंदोलन था, तो आपको जो है इसके बारे में जानना चाहिए, ये उत्तराखंड का आंदोलन था चिपको आंदोलन। दोस्तों ये 1970 में, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये कब हुआ, तो 1970 में हुआ था, 1970 में। कहाँ से उत्तराखंड में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये चमोली से इसकी शुरुआत हुई 1970 में, कहाँ से, चमोली से, ठीक है, तो चमोली से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए कुछ कॉमन सी जानकारी इसके बारे में। अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आँख बंद करके हरा रंग नहीं लगाएंगे, प्रकाश संश्लेषण हम सोचेंगे पत्तियों का रंग हरा होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, तो इसलिए हम हरा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि सूर्य के किस प्रकाश में, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है विज्जौर, 7 रंग की जो प्रकाश है उसमें 7 रंग होते, तो जो रेड रंग होता है दोस्तों, रेड कलर होता है, उसमें सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। तो बाकी जैसे ग्रीन कलर आता है तो वो क्लोरोफिल जो है वापस कर देता है, तो अवशोषित करता है लाल रंग को, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा वो लाल रंग में होती है। अगला है, भिंडी में पाया जाता है, तो भिंडी में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी का रिच सोर्स है भिंडी, आप अगर भिंडी का सेवन रेगुलर करते हैं तो आपको उससे विटामिन सी की कमी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहत प्रदूषक है? दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण, यानी कि किसकी वजह से एसिड रेन के चांसेस होते हैं या होता है, तो ये सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड। एसिड रेन में एसिड, ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या इसी तरह के अन्य प्रदूषक हमारी पृथ्वी की सतह से उठकर ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल में, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ क्या होते हैं, ये सारे प्रदूषक वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वर्षा के जल का पीएच होता है वो कम हो जाता है, लगभग 5.6 उसका पीएच मान हो जाता है, ठीक है, वर्षा के जल का, तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं, यानी कि वर्षा का जो जल होता है वो एसिडिक कर देते हैं, प्रदूषित हो जाता है, इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे ये इससे कई त्वचा रोग हो सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को नुकसान हो जाता है, या कोई मार्बल वगैरह से ऐसी कोई बिल्डिंग या कोई धरोहर, विश्व धरोहर है हमारे देश की कोई धरोहर हो तो उसको भी नुकसान होता है, उसका कलर फीका पड़ जाता है, जैसे ताजमहल का कलर फीका पड़ रहा है, तो इसी तरह के नुकसान यहाँ पर देखने को मिलते हैं एसिड रेन से, जल प्रदूषण बढ़ जाता है। यही पानी अगर यही वर्षा तालाब में कुओं में जो पीने के योग्य पानी है उसमें जाएगा तो उससे जल प्रदूषण भी बढ़ता है, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारक है। अगला है, एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? दोस्तों तो एनसीटीई का मेन उद्देश्य है विद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन या टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय में शिक्षा स्तर को बनाए रखना जो है एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण यहाँ पर दोस्तों कंपोस्ट नहीं है, हम देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर बात कर रहा है रासायनिक उर्वरक का, ठीक है, तो ये नेचुरल उर्वरक है दोस्तों, कंपोस्ट जो है गोबर से या सड़ी गली चीजों को से बनाई जाती है, यूरिया है, फॉस्फेट और पोटास, ये सारे जो है केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये केमिकल नहीं है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है, यानी कि जैव उर्वरक है। अगला है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो पर्यावरण में सबसे अधिक जो वातावरण में पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर सांद्रण है। अगला है, निम्नलिखित
78% है नाइट्रोजन, है कि नहीं? आपको पता है 78% है। तो निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक दोस्तों यहाँ पर है पादप, ठीक है। पादप जो है प्लांट से जो होते हैं जैविक घटक होते हैं, जीवित होते हैं जिनका पर्यावरण में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जीवित होते हैं, ठीक है। जैसे पादप है ये जैविक घटक के अंतर्गत, अजैविक में आ जाएगा वायु, आ जाएगा मिट्टी, जल, सूर्य, ये सारी चीज़ें अजैविक में आ जाएंगे। तो जैविक घटक जैसे यहाँ पर ऑप्शन पादप है। दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं आपके लिए। अगर आप अगर मान लीजिए 10 एग्जाम होने तक 10 प्रैक्टिस सेट भी करते हैं तो यानी कि 300 क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे। 300 में से 10 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आएंगे ही, 5 भी आते तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस तरह की वीडियोज अगर देखते हैं, ऐसी वीडियोज देखने से आप खाना बनाते बनाते भी इनको देख सकते हैं, आप अपने बिस्तर में आराम करते करते भी वीडियो देखकर इन स्टडी कर सकते हैं। आप लाइट नहीं है या अन्य परिस्थितियों में आप कहीं बैठे हैं किसी के साथ ईयरफोन लगा के इस तरह के वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता है। और ये चीज़ें आप एक तो स्क्रीन में देख रहे होते हैं क्वेश्चन, दूसरा सुन भी रहे होते हैं, इससे जो है काफ़ी ईजी हो जाती है लर्निंग। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे आपको प्रत्येक दिन आपको मिलेंगे इस तरह के वीडियोज, और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं, लगता है कि थोड़े से भी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। अगर कोई कमी या प्रॉब्लम नज़र आती है तो कमेंट करके प्रॉब्लम बताएं, उसका हम पूरा पूरा सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उसको मैं सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।